लाचार शिक्षा व्यवस्था से गुजर रहे बिहार के लिए अच्छी खबर। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके सरकार ने फैसला किया है कि राज्य में बहुत जल्द 40,000 शिक्षकों की भर्ती पूरा किया जाएगा। ये वैकेंसी दरअसल 2012-13 में ही पूरी होनी थी, जिसे कि सरकार के गैर जिम्मेदार रवैये के वजह से पूरी नहीं की गई, जिसे अब पूरी की जाएगी। इसके लिए शेड्यूल बिहार सरकार ने जारी कर दिया है। इससे पहले कि हम आपको शेड्यूल बताएं, पहले जान लेते हैं इसके लिए क्या पात्रता होगी। इसके लिए सिर्फ वही कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे जिन्होंने बीएड कर रखा हो और बिहार में 2012 में हुआ शिक्षक पात्रता एग्जाम को भी पास किया हो। दरअसल इस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी थी वो जून 2020 तक ही थी, जिसे कि बिहार सरकार ने बढ़ा के जून 2021 तक कर दिया है। तो ये स्टूडेंट भी इस एग्जाम के लिए आवेदन कर पाएंगे। तो चलिए इस एग्जाम की तारीखों के बारे में जान लेते हैं। आवेदन करने की शुरुआत होगी 27 अगस्त से, 27 अगस्त 2019 से, जो कि 26 सितंबर 2019 तक चलेगी। इसके बाद 27 सितंबर से लेकर 9 अक्टूबर के बीच में मेगा सूची तैयार की जाएगी। इसके बाद इन तैयार मेगा सूची को 18 से 22 नवंबर के बीच में प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए जिला परिषद और निकाय के पास भेजा जाएगा। सत्यापन के बाद एक फाइनल मेगा सूची यानी कि फाइनल रिजल्ट जो है 26 नवंबर तक जारी कर दिया जाएगा। यानी कि सरकार की पूरी कोशिश रहेगी कि इस वैकेंसी को 2019 में ही पूरा कर दिया जाए। ये एक तरह से अच्छी खबर है बिहार की शिक्षा व्यवस्था के लिए। दरअसल चुनाव करीब है बिहार विधानसभा का और सरकार कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, इस वजह से सरकार इस वैकेंसी को जल्द से जल्द पूरा करना चाहती है। आज के लिए वीडियो में इतना ही। बिहार डेलीगेशन के लिए चंदन कुमार। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक जरूर करें, वीडियो को शेयर कर दें और कुछ और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं हमसे तो कृपया कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय बिहार।